चलिए लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। व्हाई डू वी फॉल इल। अब मुझे बिफोर व्हेन वी वे मतलब स्टार्ट दिस थिंग जस्ट टेल मी व्हाट यू आर कंसिडरिंग कि अगर इफ आई एम सेइंग यू आर सिक एज यू आर सेइंग कि मैं कल बीमार था but you will say healthy person या health क्या है and which term you are saying कि we are not healthy या we are ill क्या कहते हैं हम what kind of sorry मुझे सुना नहीं क्या कह रहे हो एक मिनट okay yeah please don't give me the bookish language I am not asking that exactly I am just asking in your term या in when you are talking about a health or a disease or a ill आप क्या consider करते हैं feeling of being unhealthy as all of you are saying कि अब it actually vary person to person अब now they are playing the basketball so they according to them कि we played the basketball at least the 40 minutes or 45 minutes we are healthy है ना योर मदर विल से कि आई कुक द फूड एंड आई टेक केयर लाइक ऑल दीज थिंग्स आई हैड डन तो आई एम हेल्दी इन ग्रैंड मदर इफ शी विल से तो शी विल से कि आई विल वॉक फॉर 40 मिनट्स दैट मींस आई एम हेल्दी दैट मींस इट वेरीज पर्सन टू पर्सन ठीक है अकॉर्डिंग टू योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इट वेरी करती कोई किसी टर्म में हेल्थ को कंसिडर करेगा कोई किसी टाइम टर्म में करेगा वट इज एक्चुअली हेल्थ जो वेरी कर रही है हेल्थ क्या है हम किस state of what state of being well means state of being well means when you are socially mentally physically fit ho then we will say it is a health suppose agar bahar municipal corporation hai they are not picking up the garbage and every their garbage is there then are we healthy kyun nahi hai hygiene nahi hai so definitely the problems will be there अच्छा इफ आई एम सेइंग कि ये पब्लिक हाइजीन हो गया है कि हम नहीं उसमें है इफ एनी पर्सन और एनी स्टूडेंट इफ यू आर फाइटिंग विद वन अनदर ठीक है तो व्हाट वी यूज्ड टू से दीज वर्ड्स है ना तो दैट मींस दैट इज नॉट अ हेल्दी पर्सन दैट मींस फिजिकली फिट है वो भी हेल्थ का एक पार्ट हो गया मेंटली भी फिट होना चाहिए ये नहीं कि व्हेन यू आर डूइंग द डिफरेंट थिंग्स इन योर माइंड क्रिएट डिफरेंट थिंग यू आर नॉट एबल टू जज द थिंग्स प्रॉपरली मेंटली फिट नहीं हो सोशली हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर हम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इफ आई एम फाइटिंग विद यू या मैं आपको डांटती जाऊँ इफ आई स्कोल्ड ऑल द टाइम तो आपको लगेगा कि मैम की नेचर ही ऐसी है मैम इज नॉट हेल्दी दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन हेल्थ का मतलब क्या है व्हेन यू आर फिट ऑल थ्री एस्पेक्ट्स फिजिकली मेंटली एंड सोशल ठीक है इन फॉर दिस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 दे गेव द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ ऑल्सो राइट राइट डाउन द डेफिनेशन हेल्थ राइट डाउन WHO की लिख लेते हैं इन 1948 इट गिव्स मींस इफ आई एम सेइंग तो वी कैन से द साउंड माइंड अगर लिखो मत सुन लो साउंड माइंड एक आपका जो माइंड है साउंड है ठीक है साउंड माइंड एंड डिजीज फ्री बॉडी लिविंग ठीक है इन अ गुड एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड अ हेल्थ उसको हम बोलते हैं हेल्थ ठीक है एक साउंड माइंड ठीक है गुड फिजिकल यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है एंड इन अ क्लीन एनवायरमेंट गुड एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड अ हेल्थ WHO की लिखो defines health is a state of complete physical state of health is a state मतलब अगर हमें इसको simply बोलू तो state of being physically mentally and socially healthy ठीक है write down health is a state of complete physical mental and social well-being mental social well-being
state of complete physical, mental and social well-being or absence of disease. उसको हम क्या बोलते हैं? Health. उसको हम क्या कह रहे हैं? Well, क्या बोला मैंने? Well-being. Well-being or absence of disease. Is it clear? Now, what is disease? अब हम disease किसको लेते हैं? What is disease? ये two term parts में divide होता है. Dis or ease. Dis means without. Dis means without. Ease means comfort. That means disease का meaning क्या हो गया? Without comfort. That is away from the comfort. That is called the disease. जहां पे आप अपने आप को comfort feel नहीं करते हो, that is called the disease. Getting my point? कि नहीं? जैसे अगर सिर दर्द है, ठीक है, अगर मेरा हेडेक हो रहा है तो दैट मीन्स आई एम नॉट, उसको मैं फील नहीं कर रही सही, कंफर्ट नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम हेल्दी नहीं, मैं, मेरे को क्या है? डिजीज. इज इट क्लियर? रिटर्न, डिजीज का मीन क्या हो गया? डिज मीन्स विदाउट, इज मीन्स कंफर्ट, दैट इज विदाउट कंफर्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द कंफर्ट. अब लिखो इसकी डेफिनेशन, डिजीज की डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन. डिजीज इज अ, बड़ी लेट ज्वाइन करते हैं बच्चे, डिसऑर्डर इन द फिजिकल और डिसऑर्डर इन द फिजिकल और सोशल स्टेट ऑफ अ पर्सन, सोशल स्टेट ऑफ अ पर्सन, physical or social state of a person caused, social state of a person caused either by, either caused, either caused, either due to nutritional disease या deficiency, sorry, nutritional deficiency, due to न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, राइट, हार्मोनल चेंजेस कॉमा पैथोजन और एनी अदर रीजन, PATHOGEN, पैथोजन. पैथोजन मीन्स माइक्रोब्स का जो अटैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. I am repeating, disorder in the physical or social state of person caused either due to nutritional deficiency, hormonal changes, comma pathogens or any other reason. किसी भी any other reason, कोई और reason भी हो सकता है, तो that is called the disease. Nutritional deficiency already you read in the 6th-7th class. नॉर्मली ऑल, अगर मैं यहाँ देखो तो वी आर हेल्दी, ठीक है, बट समटाइम वी आर सफरिंग विद द अनिमिक, अनीमिया प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड नहीं है, आयरन की प्रॉब्लम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है, क्वाशी और कर मरास्मस, ये तो है ही माल न्यूट्रिशन है, बट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में वी कैन कंसिडर कि अनिमिया हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस. अब टीन एज में व्हेन द हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो नो डाउट ऑल ऑफ यू आर लुकिंग वेरी हेल्दी, बट समटाइम बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं हम, तो दैट इज ड्यू टू द हार्मोन चेंजेस, ठीक है, किसी बात पे एकदम से हाइपर हो जाना, दैट इज ड्यू टू द हार्मोन चेंजेस समटाइम हैपन, ठीक है, सिक्रीशंस होती है हार्मोन की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग, समटाइम योर बॉडी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, समटाइम वो रिजेक्ट करती है उस चेंज को, ठीक है, तो दैट इज यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है जी. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो गया, आप किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी को वीट्स में, वीट की एलर्जी है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समटाइम अटैक करते हैं, तो दैट दे आर आल्सो सफरिंग, अदरवाइज आई एम हेल्दी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ आई एम ओके, बट इफ आई एम हैविंग एन एलर्जी प्रॉब्लम, तो मेरी बॉडी उस चीज को क्या कर रही है, दैट मीन्स आई एम नॉट प्रॉपरली फिट, ठीक है जी. नेक्स्ट लिखिए, डिजीज फ्री,
ये तीनों डेफिनेशंस यू हैव टू राइट डाउन, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जस्ट चेक इट आउट एंड तीनों डेफिनेशंस यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन जो है वो मैं बता देती हूँ, आई थिंक है डिस्क्राइब हेल्थ, क्वेश्चन लिख लो जो आपने कॉपी में लिखना है, डिस्क्राइब हेल्थ डिजीज एंड डिजीज फ्री अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, डिफाइन हेल्थ डिजीज एंड डिजीज फ्री अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर बेटे? हेल्थ डिजीज एंड डिजीज फ्री, डिफाइन हेल्थ डिजीज एंड डिजीज फ्री, ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल साथ में। अब लिखे डिजीज फ्री, वट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज फ्री? कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड, राइट ऑन सिंगल लाइन लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, मतलब ये दोनों से जब हम लोग फ्री हैं तो दैट इज कॉल्ड द डिजीज फ्री। कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ होनी चाहिए, कोई डिजीज नहीं है, दैट इज द डिजीज फ्री। हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई डिजीज नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द डिजीज फ्री। ठीक है, लिखो 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 डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज फ्री, लिखो क्वेश्चन है, लिखो, आप छोड़ दो उसको, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, आई एम सेइंग कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ, आपकी हेल्थ और आपको कोई डिजीज नहीं है तो हम उसको लेते हैं डिजीज फ्री। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज फ्री, राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट दोनों के अंदर डेफिनेशन आ जाएगी, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थी। पूरा नहीं, राइट डाउन इसके नीचे लिखो स्टेट ऑफ, वही सेम डेफिनेशन, स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल सोशल और मेंटल वेलबींग, और मेंटल वेलबींग। दूसरी तरफ लिखो state of absence of discomfort in any part of the body, state of absence of discomfort। आपको कोई कंफर्ट डिस्कम्फर्ट नहीं है तो दैट मींस वो डिजीज फ्री है। स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। सेकंड लिखिए, हेल्थ की डेफिनेशन बोली है मैंने बेटा, स्टेट ऑफ वेलबींग फिजिकली मेंटली और सोशल वेलबींग। सेकंड पॉइंट, इट कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल, हेल्दी में बोल रही हूं, इट कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल, इट कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एंड फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट, फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट मीन्स आपकी हेल्थ भी करेगी, मतलब इंडिविजुअल के साथ भी है, बट साइड बाय साइड इट आल्सो लाइक एनवायरमेंट आल्सो अफेक्ट टू बीइंग अ हेल्थ, ठीक है ना। देन दूसरी साइड पे इट कंसर्न्ड या इट रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स ओनली, आपको जो डिजीज फ्री है वो आपके अपने साथ ही रिलेटेड है, वो एनवायरमेंट के साथ नहीं, इट कंसर्न्ड टू इंडिविजुअल ओनली, इट कंसर्न्ड टू इंडिविजुअल ओनली, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट,
वेट करते हुए. इट कंसर्न टू इंडिविजुअल ओनली. समझ आ गया राइट? हाँ थर्ड लिखिए. हेल्दी पर्सन, अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री एज वेल. हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री एज वेल. हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री एज वेल. दूसरी साइड पे डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी. बात समझ आई? कि अगर डिजीज फ्री मे नॉट बी, हाँ, बिकॉज अदरवाइज उसको डिजीज नहीं है, ठीक है, लेकिन इफ ही इज मेंटली नॉट फिट तो वो हेल्दी नहीं, ठीक है. दैट मे बी हेल्दी और नॉट हेल्दी. डिजीज फ्री पर्सन मे बी, मतलब मे और मे नॉट बी हेल्दी. ठीक है जी, समझ आ गया पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, मे और मे नॉट बी हेल्दी, मतलब वो दोनों में आ जाएगा. क्या रिपीट करूं? मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या करना बोलूं? हाँ, अब डिप्रेशन दैट इज नॉट लाइक डिजीज होता है व्हेन योर बॉडी पार्ट लाइक उसमें है ना. तो कई बार ऐसे होता है व्हेन यू आर क्वर्लिंग लाइक लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा है, कुछ भी है, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट. दैट इज नॉट कम्स अंडर दिस. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो इसका. पर्सन इज एनर्जेटिक. हेल्दी में पर्सन इज एनर्जेटिक. अ पर्सन इज एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म. अ पर्सन इज एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म. एबल, एबल टू परफॉर्म. और दूसरी साइड पे परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट एंड परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड. डिपेंड अपॉन एनवायरमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड. आप कैसे किसी चीज को ले रहे हो? हाँ जी, या इसको रहने देना. एज लिखिए, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. हाँ जी, अब ज्वाइन. Based on different criteria, agla topic, types of diseases. पहले ये तो लिखो, types of diseases that I am doing it on the based on criteria. Which criteria I am for? मतलब we are using here to differentiate between diseases. Two criteria is there. Number one, depend upon the duration, and number two, depend upon the transmission. Write down the number one. On the basis of duration, and here on the basis of transmission. Up on the basis of duration, it is again divided into two parts. मतलब duration means कितने समय तक है, ठीक है? That is acute and chronic. Acute and chronic, and depend upon the transmission, it is again further two types: communicable and non-communicable. Is it clear? Are visible?
Now write down the difference between acute and chronic disease. कोई बात नहीं. Is it clear? ठीक है. That is type of diseases that is depend upon the different criteria. Two main criteria is there. Number one that is duration and number two is the transmission. ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कि कोई डिजीज आपको कितने टाइम तक है और कब क्योर हो जाएगी. टाइम पीरियड दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, एक्यूट एंड क्रॉनिक, और ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. राइट, नाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन फोर विद एग्जांपल. Acute, chronic. लिखिए. Acute के अंदर stays for a short period of time. Stays for a short period of time. Short period of time means like you can say 1 week, 3 days. Okay, short period of time. On the other side, write down stays for a long period of time. Stays for a long period of time. अब जो डिजीज आपको थोड़ी देर के लिए है, ठीक है, दैट मींस वो 100% क्योर हो जाएगी. सो 100% रिकवरी इज देयर इन दिस केस. 100% रिकवरी इज ऑलवेज देयर. ऑन द अदर साइड व्हाट वी विल राइट डाउन, 100% रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. कुछ केसेस में तो है, मतलब 100% तो रिकवरी होती नहीं. क्रॉनिक डिजीज में जैसे अगर आपको मान लो डेंगू है या आपको कुछ भी है, आप जितनी मर्जी कर लो कि हम रिकवर, बट स्टिल बॉडी के किसी ना किसी पार्ट पे, जैसे डेंगू जिस बॉडी पार्ट पे अगर हम इफेक्ट हो रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम. ठीक है, ले सकते हैं. कोविड दोनों में आ रहा है, लाइक क्योर भी हो गया था लेकिन स्टिल बॉडी पार्ट पे कहीं ना कहीं वो इफेक्ट है उसका. राइट डाउन थर्ड, क्या तो रही थर्ड पॉइंट. बोल तो रही हूँ. थर्ड पॉइंट, राइट डाउन थर्ड. साइड इफेक्ट्स आर नॉट देयर. मीन्स इन केस ऑफ द एक्यूट डिजीजेस, आपको कोल्ड हुआ का कुछ भी है, बट साइड इफेक्ट्स विल नॉट बी देयर. ठीक है, साइड इफेक्ट्स विल कहा आते हैं. कोल्ड के बाद कौन सा साइड इफेक्ट है, कहा दैट इज फॉर द शॉर्ट 1 week है ना. आई एम टेलिंग की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. 1 week यू विल फील ना अनकंफर्टेबल, आप एक हफ्ते के लिए हो. आफ्टर व्हेन द कोल्ड इज ओके तो नोज में प्रॉब्लम थोड़े ना. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. साइड इफेक्ट्स में हैपन. क्रॉनिक में साइड इफेक्ट्स होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, बोलो. हाँ ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. दे मे हैव लेस डैमेज. ठीक तो बोल रहे हो. दे मे हैव एक्यूट में दे मे हैव लेस डैमेज और हार्म
less damage or harm in the body organs. They have less damage or harm in the body organ. जहां पे infection है, infected है, वहां पे harm नहीं है. Suppose cold भी हुआ तो nose में sometimes जब आपको बहुत होता है तो when you are clean again and again तो rashes हो जाते हैं, but that will not damage the body organ. ठीक है, other side पे लिखो. They have more damage. हाँ, infected body part कुछ भी कह सकते हैं. Example लिख लो दोनों में. उसमें लिखो acute में common cold और दूसरे में लिखो dengue. ठीक है.